तो मेरा नाम शुभम शुक्ला और आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया है नटराज डीजी, जो डीजी मॉडल है सबसे टॉप मॉडल, आपको उसके बारे में दिखाया था, वो बताया भी था। ओके, आज इसमें टोटली मैं 6 मॉडल बताने वाला हूँ, उसका फंक्शन क्या है, प्लस उसमें कितना TDS रिमूव करता है, कितने लीटर का स्टोरेज टैंक है, कितना लीटर स्टेज प्योरिफिकेशन है, एंड कितने GPD का बूस्टर पंप है, और क्या क्या इसके अंदर साथ इंस्ट्रूमेंट आता है। तो फ्रेंड्स, एक कैटलॉग है मेरे पास, कैटलॉग आ गया है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। चलो डायरेक्ट वीडियो शुरू करते, कम टाइम लिए हुए फटाफट। इसमें फर्स्ट मॉडल है नटराज अल्ट्रा, आप डिस्प्ले पे देख ही रहे होंगे, 1000 TDS रिमूव करता है, 9 लीटर स्टोरेज टैंक है, 1 घंटे में 12 लीटर प्योरिफिकेशन है, और इसमें 100 GBD का बूस्टर पंप है, सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, PP फिल्टर, मेम्ब्रेन प्लस अल्कालाइन फिल्टर है। ओके, इसमें 11 इंच का अल्कालाइन फिल्टर डाला हुआ है, इतना फंक्शन है। और एक सेकेंड मॉडल है नटराज जैन, ये है, ये 1000 TDS, सेम 1000 TDS कंट्रोल करता है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है, अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम मशीन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, स्टोरेज टैंक भी सेम है, बूस्टर पंप भी सेम है। ओके, एंड अभी दो मॉडल मैं बताने वाला हूँ, एक जीनियस, एक अल्टीमा मॉडल। जीनियस मॉडल जो है 1500 TDS तक कंट्रोलिंग करता है, 12 लीटर स्टोरेज टैंक है, 18 लीटर 1 घंटे में 18 लीटर प्योरिफिकेशन कैपेसिटी है। ओके, एंड जो अल्ट्रा और जैन का है, ये 12 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी है एक घंटे का। ओके, इसके अंदर 100 GPD बूस्टर पंप दिया है, 10 वॉट कंज्यूम करता है, सेडिमेंट फिल्टर, PP फिल्टर, कार्बन फिल्टर, मेम्ब्रेन, प्लस उसके बाद अल्कालाइन फिल्टर एक डाला हुआ है, 8-11 इंच का सेम फिल्टर है। उसके बाद अल्टीमा जो आता है, 2000 तक TDS रिमूव करता है। ओके, 2000 तक TDS रिमूव करता है, 12 लीटर स्टोरेज टैंक है, 18 लीटर 1 घंटे का प्योरिफिकेशन कैपेसिटी है, 8 स्टेज मशीन है, 100 GPD बूस्टर पंप है, एंड इसमें ऑटो फ्लैश दिया है, और इसमें ऑटो फ्लैश नहीं है सर, इसमें ऑटो फ्लैश नहीं है। इसमें ऑटो फ्लैश का मीन्स क्या होता है, ऑटो फ्लैश क्या काम करता है, जैसा अभी आपका मशीन भर गया, ऑफ किया, तो पहले आप मशीन ऑन करेंगे 35 सेकंड तक ऑटो फ्लैश मशीन चालू हो जाएगा। उसमें क्या होता है, जो आपके RO मेम्ब्रेन में पानी पहले का बचा रहेगा, उसको बैक फ्लैश में आता है, बैक फ्लैश करके 35 सेकंड में वॉश कर देता है, टोटली फिल्टर वॉश करेगा, उसके बाद फ्रेश पानी इनलेट करेगा और प्योरीफायर अपना प्योरीफिकेशन सिस्टम ऑन कर देगा। ओके, 100 GPD का बूस्टर पंप है, सेम सब कुछ है। इसके अंदर जो अल्कालाइन डाला हुआ है, अल्कालाइन प्लस H2 फिल्टर डाला है, H2 मतलब इससे थोड़ा हाई लेवल का फिल्टर है, ये काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें सेकेंड फिफ्थ मॉडल है अल्टीमा UB, इसके अंदर फिल्टर दिया हुआ UB फिल्टर, इसके अंदर 2000 TDS रिमूविंग है, 12 लीटर स्टोरेज टैंक, 18 लीटर 1 घंटे में प्योरिफिकेशन कैपेसिटी है, इसके अंदर UB आपको UB दिया हुआ है, UB लेन, बाकी ये फिल्टर्स के अंदर नहीं दिया, ओनली अल्कालाइन प्लस RO है, इसके अंदर UB फिल्टर दिया गया हुआ है। ओके, और फिर लास्ट में मैं जो वीडियो दिखाया था DG का, वो बताता हूँ। इसके अंदर H2O फिल्टर है, बाकी सब TDS कंट्रोलिंग एंड स्टोरेज टैंक वगैरह सब कुछ सेम है, बूस्टर पंप वगैरह। इसके साथ आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आता है, एक अलग से बॉक्स आएगा, उसके अंदर 4 PP कैंडल रहेंगे, और एक बाउल सेट रहेगा, DP सेट रहेगा, डायवर्टर कॉक सेट, एंड कम से कम 3.5 मीटर पाइप रहेगा, एंड ब्लू एंड वाइट कलर में वो आपको सब कनेक्शन करके मिलेगा। इसके अंदर एंटी स्केलन गोली आता है, इतने सारे सब इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो जो आपको बंदा इंस्टॉल करेगा उस टाइम सब उसके अंदर डालेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताइए। आपका कुछ भी डाउट है और कुछ भी इंक्वायरी है, तो मुझसे ये नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका कुछ भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि जैसा भी कुछ मैं नया वीडियो शूट करूँ या तो वीडियो लेके आऊँ आप नॉलेज के रिलेटेड, प्योरीफायर एंड गारंटी के रिलेटेड, तो आपको उसका पहले नोटिफिकेशन आए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।